हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में टेक्निकल स्टॉकर। आज मैं फिर आपके लिए जो एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, तो आज हम बात करेंगे उदयपुर सीमेंट शेयर के बारे में। देखेंगे क्या ये बेस्ट टाइम है इसमें फैसेंटी लेने का, क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, कहाँ तक ये शेयर जाएगा, क्या इतना ज़्यादा ये शेयर रिटर्न इसके अंदर, क्या हाई पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न देने की, तो उसके ऊपर आज हम जो बात करेंगे एंड देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट यानी कि सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे कि कंपनी का क्वार्टर टू यानी सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा एंड कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी है, क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्या ये शेयर हमको बढ़िया रिटर्न दे सकता है, तो उसी के ऊपर हम जो बात करेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शेयर को कब बाय करें, तो उसके ऊपर हम जो आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, या आपका अगर किसी शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि अगर हम बात करें उदयपुर सीमेंट के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कंपनी जो है सीमेंट सेक्टर कंपनी है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल्स की तरफ से कंपनी। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, कंपनी की मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं 1182 करोड़ की है, लगभग करेंट प्राइस आप देख सकते हैं 38 रुपये के करीब आसपास जो चल रहा है शेयर का प्राइस। लगभग कंपनी ने जो हाई है वो 51 रुपये 80 पैसे बनाया है और लो की अगर हम बात करें तो 16 रुपये के करीब कंपनी ने जो है लो बनाया है। अगर हम इसके स्टॉक पी की बात करें तो 16.5 जो इसका स्टॉक पी एंड बुक वैल्यू आप देख सकते हैं करीब 8.74 रुपये है। एंड अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओई और आरओसी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर अगर आप देखें 16% की जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 31.4% की है। तो हमें इससे ये क्या पता चलता है, आरओई या आरओसी की हम जो परसेंटेज देखते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने फंड को कितना अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है, अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छा यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी ने जो कंपनी के पास जो फंड है, यानी कि जो हम लोगों का इक्विटी का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स का जो फंड है, उस फंड को कंपनी कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है अपने बिजनेस में, अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है प्रॉफिट बनाने में। अगर हम एग्जांपल लें, कंपनी के पास टोटल फंड है 100 रुपये, तो वो 100 रुपये को यूज़ कर रही है 31.4% का प्रॉफिट जनरेट करने में। यानी कि 100 रुपये का अगर हम 31.4% लें तो 100 रुपये में से 31.4% कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस 100 रुपये को कंपनी इतना अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है कि इससे 31% का कंपनी 100 रुपये को यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स का फंड प्लस कंपनी जो लोन लेती है, जो डेब्ट लेती है उसका फंड, तो दोनों का यूज़ करके हम रिसोर्सेज को वो बताता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 4 रुपये है। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फंडामेंटल्स की तरफ से, कंपनी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो अगर यहाँ पर आप देखें क्वार्टर रिजल्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग जो है 30 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 30+ ही रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगभग कंपनी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो 19-20 हो जाता है यहाँ पे आप देखें तो, लगभग कंपनी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जो अपने बिजनेस से जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। और हम इसके पीएनएल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर आप देखें लगातार कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का मेन बिजनेस से कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कंपनी अपने मेन बिजनेस से अपने प्रॉफिट को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, ना तो कोई अदर इनकम जो है इंक्लूड होती है, ना कोई डेप्रिसिएशन होता है या कोई इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारा कुछ इंक्लूड नहीं होता है। कंपनी का सीधा बिजनेस से, यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हमें बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर आप देखें लगातार ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट को कंपनी जो लगातार इंक्रीज़ कर रही है और काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर रही है। और नेट प्रॉफिट हमें ये बताता है, नेट प्रॉफिट में क्या होता है, सारा कुछ जो इंक्लूड होता है, यानी सब चीज़ माइनस प्लस करके जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो बताता है, यानी कि जिसमें हमारी अदर इनकम भी इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड होता है, कोई डेप्रिसिएशन होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये सारा कुछ टैक्स वैक्स कट 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 पटा के जो भी लास्ट में एडजस्टेबल जो अमाउंट बचता है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लगातार कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को भी जो है इंक्रीज़ करा है। एंड अगर आप यहाँ पे रिजर्व देखें तो रिजर्व कंपनी अपने इंक्रीज़ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बैलेंस शीट की तरफ से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार इंक्रीज़ कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताता है कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। पोजिशन कंपनी की बैलेंस शीट पोजिशन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर हम बात करें इसके नेट कैश फ्लो पोजिशन की, कंपनी पास कैश कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी कैश काफ़ी अच्छा है कंपनी पास। कंपनी अपने मेन बिजनेस से भी काफ़ी अच्छा जो है कैश जनरेट कर रही है। अगर कंपनी के ऊपर कोई क्राइसिस आ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कंपनी उस सिचुएशन को जो फेस कर लेगी, कंपनी के पास उतना जो है कैश फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें लगातार कंपनी अपने कैश फ्लो को जो इंक्रीज़ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 72.54%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनाए हुए रखे हैं प्रमोटर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो 0.09% की फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग, 0.18% की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एंड पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 27.19% की जो है। तो आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाए रखी, 72.54%, जो कि लगातार कॉन्स्टेंट चली आ रही है काफ़ी सालों से। तो ओवरऑल हमने जो है कंपनी का जो है एनालाइज कर लिया, हमने फंडामेंटल्स भी देख लिया, हमने फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लिया, हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लिया, हमने कैश फ्लो पोजीशन भी देख लिया। तो कंपनी फंडामेंटल्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी है, कंपनी अपने मेन बिजनेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का काफ़ी अच्छा है, कंपनी कैश काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास, एंड प्रमोटर्स की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 72% के अप्रॉक्स जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बैलेंस शीट भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बैलेंस शीट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल कंपनी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें हम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, ये शेयर जो हमको मल्टीपल रिटर्न देने के, इसके अंदर हाई पोटेंशियल है मल्टीपल रिटर्न देने का। तो हम बोल सकते हैं कि ये शेयर हमको, ये स्टॉक हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेशेंस रखना। अगर आपको पेशेंस, अगर आपने पेशेंस रख लिया, तभी आप जो मल्टीपल रिटर्न गेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा कि एक महीने में अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनाफा नहीं दे पा रही, कि आने वाले समय में भी कंपनी अगर आगे चल के नहीं देगी, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पता होगा मार्केट, आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझना होगा, आपको करेक्शंस जो आते हैं मार्केट में उसको आपको समझना होगा। जब मार्केट जो ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसमें करेक्शन होता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी वही सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी आप सोचें कि आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, अभी जो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन चल रहा है मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इसमें इन्वेस्ट करने का, इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, शेयर में पैसे लगाने का। क्योंकि अभी क्या करेक्शन हो रहा है, शेयर का प्राइस जो नीचे जा रहा है, यानी कि सस्ता सस्ता होता जा रहा है। जो ओवर वैल्यूड प्राइस थे वो जो अंडर वैल्यूड होते जा रहे हैं, यानी कि सस्ते में आपको वो शेयर मिल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो है उनके प्राइस जो है नीचे गिर रहे हैं। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मौका है फ्रेश एंट्री लेने का, शेयर मार्केट में एंट्री लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है। क्योंकि ये अगर आपको देखें तो शेयर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, तो अभी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है शेयर मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर जो है नीचे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो करेक्शन, इसी करेक्शन के टाइम पर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है फ्रेश एंट्री लेने का, क्योंकि शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है, सस्ते में मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौका है। आने वाले समय में ये शेयर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देके जाएंगे, क्योंकि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको क्या कहा, अगर कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली कैश फ्लो पोजीशन बैलेंस शीट का अगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्टॉक आपको 101% आपको वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देकर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा। मेन चीज़ होती है आपको पेशेंस रखना, आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपको इतना ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपने पेशेंस रख दिया तो आप जो बढ़िया मुनाफा लेकर जाएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।